स्टूडेंट, टुडे वी हैव लर्न क्लास सिक्स मैथ चैप्टर थ्री एक्सरसाइज 3.8 इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग पहले ना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.8 को। तो इंट्रोडक्शन में ना कुछ पढ़ने लायक है नहीं, क्यों? क्योंकि ना जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना वो सारा इंट्रोडक्शन बेस्ड ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ना पढ़ के हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है बस ये समझ लीजिए, हम लोग को पढ़ना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको ना LCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LCM, एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। कहीं कहीं पर ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलता है। क्या बोलता है? लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या फिर कहीं कहीं पर बोलता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप समझ जाइएगा कि उसकी बात कर रहा है, LCM की बात कर रहा है। अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने सीखा ना कैसे हम लोग SCF फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। अब सीखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.8 में कि हम लोग कैसे LCM फाइंड करते हैं। तो LCM फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकेंड है बाय कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड है कॉमन डिवीजन मेथड। तो हम लोग ना डायरेक्ट ना इन दोनों को ना, मतलब कि दोनों को हम लोग सीखेंगे कैसे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन ही दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन ही सीख लेते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन पर। देखिए तो 3.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM। हम लोग क्या सीखेंगे, LCM फाइंड करना सीखेंगे बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन। किस मेथड से? सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सीखते हैं सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे आप लोग SCF निकालते थे ना, वैसे ही आप लोग LCM भी निकालोगे, बस LCM में थोड़ा सा और आगे तक निकालेंगे। क्या क्या आगे तक, तो देखिए ना बताता हूँ आपको। तो देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन राइट कर दिया गया है, 15, 18, 30 है। तो क्या कहते थे हम लोग, 15 लिखेंगे यहाँ पर 18 लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे। तो करते क्या थे हम लोग SCF में, देखते थे कि किस नंबर से डिविजिबल है, टू से डिविजिबल नहीं है, ये है थ्री से, थ्री फाइव जा, ये है फाइव वन जा, ये है टू से नाइन टाइम्स में, थ्री से थ्री टाइम्स में, थ्री से वन टाइम्स में, ये है टू से 15 टाइम्स में, थ्री से फाइव टाइम्स में, फाइव से वन टाइम्स में। तो 15 का क्या आ गया, थ्री मल्टीप्लाई फाइव आ गया। 18 का क्या आ गया, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री आ गया। 30 का क्या आ गया, 30 का आ गया टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव। SCF में हम लोग करते क्या थे, हम लोग SCF में करते थे कि जो जो कॉमन होता था बस उसको लिखते थे। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, देखिए ना इसमें कॉमन तीनों में क्या है, कॉमन थ्री है, तो हम लोग यहाँ पर थ्री लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर ना LCM की जगह क्या निकल आ जाएगा, ये SCF। तो इन तीनों नंबर का SCF कितना आएगा, SCF आएगा थ्री आएगा, जो तीनों में कॉमन हो। लेकिन LCM में क्या करते हैं, LCM में ना जो कॉमन नहीं होता है ना उसको भी लिखते हैं। कैसे, अब देखिए दोनों में ना दो दो है, तो इन दो का पेयर बना लीजिए, पेयर बन गया, यहाँ पर टू लिख लीजिए। दोनों में फाइव फाइव है, तो इन फाइव का पेयर बना लीजिए। सर ये थ्री बच गया, इसको क्या करें, तो थ्री को भी क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो अब करें तीनों को, अब करते हैं सबको मल्टीप्लाई। तो देखिए ना, फाइव टू ज़ा 10, 10 थ्री ज़ा 30 और 30 थ्री ज़ा 90। तो इन तीनों का LCM, मतलब कि इन तीनों नंबर का LCM कितना आ गया, 90 आ गया। अब LCM है क्या एक्चुअली में, तो LCM है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझाते हैं इसका मतलब, देखिए LCM क्या आ गया, 90 आ गया। तो बोला ये जा रहा है ना कि ना 90 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो लोवेस्ट नंबर है, 90 ही वो लोवेस्ट नंबर है जो 15 से 18 से और 30 से डिवाइड होगा। मतलब 90 से ऐसा छोटा कोई भी नंबर नहीं है ना जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। समझ में आया? तो फिर से बता रहा हूँ, 90 ही वो लोवेस्ट नंबर है जो क्या है, इन तीनों से डिविजिबल है। समझ में आ गया? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि इन तीनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 90 है। 90 के अलावा और भी क्या नंबर हो सकता है क्या? हाँ, 90 के अलावा हो सकता है 180, 90 के अलावा क्या हो सकता है 270,
180 भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, 270 भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 90। 90 ही क्या है, इन तीनों से डिविजिबल है, इसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सेकंड समझाते हैं, एक बी ऐसे ही बनाइएगा, सी बनाइएगा, डी बनाइएगा, एक बता रहा हूँ मैं ई आप लोगों को, ठीक है ना। ई देखते हैं हम लोग, फिर से वैसे ही करेंगे, यहाँ लिखेंगे 26, यहाँ लिखेंगे 65, यहाँ लिखेंगे 40। 26 टू के टेबल में 13, 13 टेबल में 1 टाइम्स, ये होगा 5 के टेबल में 13, 1, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, समझ में आ गया। लिख लो, 26 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 13, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो देखिए इसमें से कॉमन निकालते हैं। अब अगर यहाँ पर लिखा रहता है एस सी एफ, क्या लिखा रहता है यहाँ पर एस सी एफ, तो इन सब में कोई नंबर भी कॉमन है क्या? नहीं, कोई भी नंबर कॉमन तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसका एस एफ कितना रहता है? 1 आता है। क्या आता है? एस सी एफ 1 आता है। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं रहता है तो एस एफ कितना आता है? 1 आता है। लेकिन हमको तो निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो देखिए ना, तो कौन कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 कॉमन है, तो 2 को लिख दिए। फिर देखिए 13, 13 लिख दिए। फिर देखिए कि यहाँ पर 5, अब 5 को बनाने का जगह नहीं मिला तो 5 को मत बनाइए, 5 एक बार बन गया। फिर 2, देखिए अब यहाँ पर 2 ना अलग अलग है, 2 ऊपर और नीचे नहीं है, नहीं तो उसको एक बार लिखते। ऐसा मत करिएगा ना कि 2 को ऐसा करके बना दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि तो ये ऐसा तब करते हैं ना जब ऊपर नीचे मतलब कि दो नंबर में कॉमन रहता है तब करते हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 करिए, ठीक है। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। सर आप हमेशा 5 से क्यों करवाते हैं? ताकि ना 10 10 बन जाए, और 10 से मल्टीप्लाई करना क्या रहता है? ईजी रहता है, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 मल्टीप्लाई 13, 40 मल्टीप्लाई 13 0, 13 4 जा 52, दैट इज क्या आ गया? 520 इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा फर्स्ट का ए और ई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम। इसमें भी क्या करना है हम लोग को? एलसीएम फाइंड करना है। किस मेथड से? बाय कॉमन डिवीजन मेथड से। तो अभी जो सीखे हैं वो क्या था? सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन, हम सबको अलग अलग करके निकाले थे। कॉमन डिवीजन मेथड आपको एसएफ में भी बताया था ना कैसे निकालते हैं, तो सेम सेम उसमें भी यही है, लेकिन इसमें एक स्टेप ज़्यादा है। क्या है स्टेप ज़्यादा इसमें, देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड ऐसे निकालते थे ना एसएफ आप लोग, तो वैसे क्या करेगा, पहले इन नंबर को लीजिएगा। तीनों किसके टेबल में आते हैं? तो तीनों आते हैं 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 36 टाइम्स में, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 54, ठीक है। तीनों किसके टेबल में आते हैं? तीनों आते हैं 2 के टेबल में, तीनों किसके टेबल में आते हैं? तीनों आते हैं 3 के टेबल में, इन दोनों आते हैं 2 के टेबल में, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 3 8 जा 3 9 जा, तीनों किसी टेबल में आते हैं? तीनों आते हैं किसी के भी नहीं टेबल में। तो बस अगर आप लोग इतना कर देते तो इतना आ जाता है, एस सी एफ आ जाता। क्या जाता है इतना? एस सी एफ। 3 2 जा 6 6 जा 12, 12 इसका एस सी एफ होता। लेकिन हमको तो निकालना है एल सी एम। इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना ये है ना कि हम लोग इसमें तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि ना क्वेश्चन 1 1 1 ना आ जाए। क्वेश्चन कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो अब ना दो नंबर, ये दो नंबर है 3 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, सर ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये 3 3 जा। अब देखिए दोनों नंबर ना 2 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3। सर अब तो कोई भी दो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, अब तो एक ही डिवाइड हो रहा है, एक एक से डिवाइड कर दो। पहले डिवाइड कर दो 2 से इसको, 1 तो 1 हो गया, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, यहाँ लिख दोगे 3। फिर 2 से कर दो डिवाइड, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3, 2 डबल में 2 टाइम्स में। फिर 3 जो होता है वो 3 से ही डिवाइड होता है, तो 3 से 1 1 1। देखिए कब तक करना है? तब तक करते रहना जब तक कि ना यहाँ पर ना तीनों में क्या आ जाए, 1 1 1 ना आ जाए। अगर दो नंबर रहता, अगर यहाँ पर दो नंबर रहता तो यहाँ तक 1 1 तक रहता, ठीक है ना। तीन नंबर है तो यहाँ तक करेंगे, समझ में आ गया। हाँ तो देखिए ना अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को ना इसमें बोलना है एल सी एम
ऑफ 72, 96 एंड 108 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम देखिए बच्चों, इसका एलसीएम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो जो नंबर है ना इन सारे नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए ना, तो पहले लिख लो, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स क्या है, 2 है, 3, 4, 5, 5 टाइम्स कितना हो गया, 2 हो गया। 3 देखिए, 1, 2, 3, 3 है 3 टाइम्स, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 बस मुझे भी इतने ही तक याद है, 32 हो गया यहाँ तक। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पर 32 आया था और यहाँ पर 27 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 और 1 22, 2 2 ज़ा 4 6, 4 यहाँ 6 यहाँ 8, कितना आ गया इसका एलसीएम, कितना आ गया 864 इसका एलसीएम आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखते हैं अब देखना ई देख रहे हैं, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ना बी सी डी खुद से बनाना है, ई मैं बता रहा हूँ। देखिए अब फर्स्ट हम क्या करिए, क्वेश्चन लिखिए, तो अभी तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, तो तीनों आते हैं 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तीनों आते हैं 5 के टेबल में ना, तो 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, हाँ सही है, हाँ ये आते हैं 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, तीनों अब किसी के भी टेबल में आई थिंक तो नहीं आते हैं, नहीं आते हैं ना, तो 17 के टेबल में, 17 टेबल में ये दोनों आता है, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 74 ज़ा 68 शायद होता है, 17 4 ज़ा ना, 17 4 ज़ा, तो हाँ, और 17 5 ज़ा इतना होता है, ठीक है। अब 3 4 5 किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो अगर हमसे क्या पूछता, एससीए पूछता, तो एससीए हो जाता है इसका 5 और 17, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो निकल आता है एससीए, लेकिन हमसे करना है एलसीएम, तो तीनों को देखते किसके टेबल में आता है, तीनों किसी टेबल में नहीं आता है, तो इसको करेंगे पहले 2 से डिवाइड, 3 कैसे छोड़ देंगे, 4 आता है 2 टाइम्स में, 5 कैसे ही, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 3 कैसे ही छोड़ देंगे, 2 आता है 1 टाइम्स में, 5, फिर करेंगे 3 से डिवाइड 1 टाइम्स में, 1 5, फिर करेंगे 5 से डिवाइड 1 1 1, आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 255 340 एंड 425 इज इक्वल टू क्या है, 2 है 1 2 टाइम्स, 5 है 1 2 टाइम्स, 3 है 1 टाइम्स, 17 है 1 टाइम्स। देखिए ना बच्चे इजी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इजी तरीके से, तो यहाँ पर देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 into 10 100, 100 into 3 300, 300 into 17 करना है हम लोग को, तो हम लोग कर लेते हैं 300 multiply 17, तो 2 0 है तो 2 0 और 17 3 ज़ा होता है 51, तो कितना आगे मल्टीप्लाई करने पर 5100। आई होप समझ में आया होगा कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर, जो भी ये पेयर ऑफ नंबर गिवेन है ना, शो डैट, उसको शो करना है ना कि मतलब कि प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो ना याद रखिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपके लिए, 6 के तो इम्पॉर्टेंट ही है ये, 7 8 9 10, मतलब कि आगे आने वाले हर एग्जाम में, हाँ कोई भी एग्जाम होगा ना, चाहे आप 12th के बाद भी कोई एग्जाम दोगे ना, तो उसमें ये फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, इससे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा किसी भी एग्जाम में, तो याद रखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है ना वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, तो इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे सॉल्व करें, तो देखते हैं थर्ड का है, फर्स्ट 6480 है ना, तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें एचसीएफ, फिर एलसीएम, फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो निकालते हैं पहले एचसीएफ, तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे ना, तो ना एक ही तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग ना एचसीएफ एलसीएम इजी तरीके से निकाल सकते हैं, तो ऐसे करके पहले लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ लिखिए 64, यहाँ लिखिए 80, देखिए दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 32 टाइम्स में, 2 के टेबल में 40 टाइम्स में, ठीक है। फिर से
फिर से दोनों आते हैं टू के टेबल में, 16 टाइम्स में 20 टाइम्स में। फिर से आते हैं टू के टेबल में 8 टाइम्स में 10 टाइम्स में। फिर से आते हैं टू के टेबल में 4 टाइम्स में 5 के टाइम्स में। फिर आते हैं क्या दोनों किसी टेबल में? तो नहीं, अब दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं। तो बोलोगे एच सी एफ ऑफ 64 एंड 80। क्या हो जाएगा एच सी एफ? जो जो कॉमन है उसको लिख लो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, डेट इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। 16 क्या आ गया? एच सी एफ आ गया। अब बोलोगे एल सी एम ऑफ 64 एंड 80। तो यहाँ तक तो एच सी एफ निकाल लिए। अब एल सी एम के लिए क्या कहते हैं हम लोग को ना, क्वेश्चन 1 1 चाहिए। तो देखिए अब दोनों आते हैं, दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो अब किसी एक को सॉल्व करते हैं। तो 4 आता है टू के टेबल में 2 टाइम्स में, 5 नहीं आता है एज इट इज़ नोट कर दो, 2 आता है टू के टेबल में 1 टाइम्स में, 5 नहीं आता है एज इट इज़ नोट कर दो, 5 आता है 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, 1 तो 1 ही है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है? 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ना, पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए, ज़्यादा इजी रहेगा। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 80 2 ज़ा 160, और 162 ज़ा 320। तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है? मतलब कि ये दोनों नंबर जो है ना, उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो लिखते हैं 64 मल्टीप्लाई 80, तो 0 8 4 जा 32, कैरी 3 8 6 जा 48 एंड 3 51। तो हमको बोला जा रहा है ना कि ना बताइए ना, प्रूफ करिए ना कि दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल होगा एच सी एफ इंटू एल सी एम के। तो करते हैं, लिखोगे एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। तो एच सी एफ कितना है बच्चों? एच सी एफ है 16, एल सी एम कितना है? 320। एल सी एम है 320। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 16 2 जा 32, कैरी 3 16 3 जा 48, और 3 51। तो बोल सकते हो हियर हियर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया, या फिर ही वेरीफाइड हो गया। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था सो डैट, मतलब कि प्रूव करना है। तो सिंपल लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट समझ में आया होगा। इसका 20 सॉल्व करते हैं तो और समझ में आएगा। एक और सॉल्व करते हैं 76 और 144 सॉल्यूशन। देखिएगा सॉल्व करते हैं, तो जैसा लास्ट क्वेश्चन बताया हो ना, वैसा ही इसमें बनाएंगे। तो पहले निकालते हैं इसका एच सी एफ। एच सी एफ कैसे निकालना है? सेम ऐसे करिए जैसे बताया गया था, 76 144, दोनों आते हैं टू के टेबल में 38 टाइम्स 72 टाइम्स, टू के टेबल में 19 टाइम्स 36 टाइम्स। अब दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, तो एच सी एफ कितना आ जाएगा? एच सी एफ ऑफ 76 एंड 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, डेट इज 4 आ गया एच सी एफ। एल सी एम ऑफ 76 एंड 144 कितना रहेगा एल सी एम? अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो 19 से डिवाइड कर 19 1 जा 19, 836 हो गया। 19 एक प्राइम नंबर है ना, इसीलिए डायरेक्ट 19 से ही डिवाइड कर दीजिए। 36 को देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 1 आ गया। यहाँ पहले से ही 1 1 1 1 था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2 को 2 टाइम्स लिख दिए, 2 है 4 टाइम्स, 1 2, 3 को लिख देंगे 2 टाइम्स, 90 को लिख देंगे 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करवा लो दोनों का। तो बोलोगे एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ। अरे इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाया ना, मल्टीप्लाई करवा के इसको लिखते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16,
16 3 जा 48, 48 और 19 3 जा होता है 57, तो 48 मल्टीप्लाई 57, तो 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, तो हो गया 6 3 7 2, तो ये आ जाएगा 2 7 3 6। तो HCF देखिए ना, तो LCM कितना है 2 7 3 6, HCF कितना है 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 6 4 जा 24 कैरी 4, सॉरी 4 कैरी 2, 6 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 4 कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, तो इसका कितना आ गया LCM इंटू HCF इतना आ गया। अब इसका निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है 76 और 144 को, तो मल्टीप्लाई करते हैं, आई होप इतना ही आएगा, चेक करते हैं एक बार मल्टीप्लाई करवा के। 144 मल्टीप्लाई 76, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24, 2 26 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 28 30, 30 0 कैरी 3, 7 1 जा 7 3 10, तो 4 14, 9 0 1, तो बिल्कुल देखिए ना ये 1044 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1044, तो बोल सकते हो हियर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों क्या होगा इक्वल इक्वल आ गए, यहाँ पर बोल सकते हो हैंस वेरीफाइड। समझ आ गया कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, जहाँ तक निकलेगा जहाँ तक दोनों कॉमन नंबर से डिविजिबल होंगे वहाँ तक करेंगे डिविजिबल, और जब कॉमन नंबर से डिविजिबल बंद हो जाए वहाँ पर छोड़ देंगे, तो फिर जो आ गया उसको पहले निकाल लो एचसीएफ, फिर निकाल लो एलसीएम 1 1 क्वेश्चन आने तक, तो 1 1 क्वेश्चन जब तक आ जाए तो तक निकालो एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा निकल गया एलसीएम इंटू एचसीएफ निकल गया, फिर प्रोडक्ट नंबर निकाल लो, दोनों नंबर जो दिया रहेगा उनका प्रोडक्ट निकाल लो, दोनों इक्वल इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स आपने सही बनाया है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिएगा आप सी लिखिएगा, अब थोड़ा फास्ट करते हैं ना, तो देखिए ना एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी क्या आ गया, इतना आ गया, तो अब आप बोल सकते हो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, सी डी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ना यहाँ पर ना एलसीएम इंटू एचसीएफ भी आ गया 2160 और प्रोडक्ट नंबर भी क्या आ गया 2160 आ गया, तो आप बोल सकते हो नेक्स्ट देखते हैं, अब ई को समझते हैं।
तो देखिए एलसीएम भी इतना आ गया, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। दोनों क्या है, सेम सेम है, तो आप बोल सकते हो ही समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर डिटरमाइन करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन एंड दिस वन, जो कि क्या हो जाता है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इससे भी और इससे भी, मतलब कि 4 डिजिट का वो छोटा से छोटा नंबर बताइए ना जो कि क्या हो जाए इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो पहले क्या कर देते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो क्या करते हैं, पहले इन तीनों का ना एलसीएम निकालते हैं। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, जितना एलसीएम आएगा उसको ना 1000 से ना क्या करेंगे, 1000 से उसके एलसीएम को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद देखिए बताते हैं कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो सिंपल क्या करिए, सबसे पहले लिखिए एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सिखाया हूँ एलसीएम निकालना ना, तो एलसीएम निकालिएगा 8, 10, 12, 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम, 3 से 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 3 ज़ा 120। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे, एलसीएम आ गया 120 आ गया। तो देखिए अब इसको बस सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करते थे, पहले हम लोग ऐसा करते थे ना, 1000 लिखते थे, लिखेंगे स्मॉलेस्ट, लिख देते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं ना 120 को 1000 से, तो 120 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 8 टाइम्स में जाएगा, ये कितना 960, तो ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या थे, हम लोग करते ये थे ना, तो हम लोग लिखते थे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12 इज इक्वल टू, क्या होता था पहले जो नंबर आता था उसको लिखते थे, उसमें से क्या करते थे इसको माइनस करते थे इसको माइनस, और प्लस किसको करते थे इसको प्लस करते थे। तो कर दीजिए, इसको माइनस करिए, 1000 में से 40 माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा 960, ठीक है, और 960 में इसको जब प्लस करेंगे 120 को तो आ जाएगा 1080। तो 1080 भी ऐसा नंबर है ना जो 8 से 10 से और 12 से तीनों से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट और करते क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम लोग को क्या करना है, इस बार ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन एंड दिस वन। तो फिर से वही करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले इन तीनों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, फिर देखिए करते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए इसका निकालते हैं एलसीएम, तो पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 26, 35 एंड 42। तो आप लोग को इतना सिखा दिया गया है ना, आप लोग ना खुद से इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने पर ना कितना आ जाएगा 2730। तो क्या करते हैं, पहले 2730 को डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999 होता है, तो 9999 को ना आप डिवाइड करोगे 2730 से, तो ये कितना 2 और 3, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो 0, 3 9, 7 21, कैरी 2, 3 6 और 2 8, ठीक है, जब इसको माइनस करोगे तो ये 9, 0, 9 माइनस 1, 8 और 9 1, तो कितना आ गया ये 1809 आ गया। तो बोल दोगे यहाँ पर, फिर से वैसे लिख दोगे ना, हाँ देखिए जब भी स्मॉलेस्ट यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा रहता है ना तो क्या करते थे, देखिए पहले बता रहा हूँ, तो लिखोगे यहाँ पर द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट
नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 26, 35 एंड 42 इज इक्वल टू। देखिए जब भी यहाँ पर दिखा रहता था ना तो क्या करते थे, पहले इससे इसको माइनस करते थे फिर इसको प्लस करते थे, लेकिन जब भी क्या लिखा रहता है, ग्रेटेस्ट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ग्रेटेस्ट लिखा रहता है ना, तो क्या करना है, सिंपल इससे इसको माइनस कर दो, सिंपल इससे इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 9999 में से 1809 को माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे ना तो 0918, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो यही वो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है जो क्या होगा, इन तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 10,000, मतलब कि वो नंबर डिटरमाइन करना है जो कि 10,000 के करीब का नंबर है, बट ग्रेटर देन 10,000, मतलब कि 10,000 से कम ना हो, वो क्या हो, ज़्यादा हो। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वही करना है ना, पहले इसका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा ना, मतलब कि इससे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो जैसा हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन इसको सॉल्व किए थे ना, क्वेश्चन 4 को, देखिए सेम सेम यही है, मतलब कि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो सेम सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, तो बना देते हैं इसको भी। तो बोलोगे एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 28, जब तीनों का एलसीएम निकालोगे ना बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 420। तो डिवाइड करते हैं 420 को किससे, 420 से 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 0, 2 जा 4, 2 जा 8, 0, फिर 10 माइनस 4, 6, 9 माइनस 8, 1, 0 नोट करोगे तो ये आएगा 3 टाइम्स में 0, 6, 4, 3 जा 12, 0, 10 माइनस 6, 4, 9, 5 माइनस 2, 3, 0। तो देखिए इतना आ गया, तो आप सिंपल सा बोल दोगे द नंबर नियरेस्ट टू 10,000, ऐसा लिखिएगा, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 10, 15 एंड 28 इज इक्वल टू, क्या करेंगे पहले बच्चे, 10,000 को लिखेंगे, इसमें से 340 को माइनस करते हैं और प्लस किसको करते हैं, 420 को। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना सर किसमें डायरेक्ट माइनस करेंगे किसमें डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, तो बच्चे याद रखिए जब भी यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लिखा रहेगा ना किसी भी डिजिट का, किसी भी डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखा रहता है ना, तो ना इस वाले केस को फॉलो करते हैं। और अगर लिखा रहता है लार्जेस्ट नंबर, क्या लिखा रहता है, अगर लिखा रहता है लार्जेस्ट नंबर ना, तो इस वाले केस को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 10,000 से कम का नंबर ना हो करके ज़्यादा का नंबर, बेटा नंबर कौन सा है, यही है जो क्या है, इन तीनों से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 2 नंबर दिस वन एंड दिस वन, मतलब कि एच सी एफ तो ये दिया हुआ है और एल सी एम ये दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज दिस वन, यदि पहला नंबर ये है ना तो दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो बच्चे ये वाला जो है ना ये इसका एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आता है ना वो 7 वाला बना सकता है, ठीक है ना, तो 3 और 7 एक जैसा है, तो 3 में ही 7 का, मतलब 7 में ही ना 3 का रूल लगेगा। तो बनाते हैं, सिखाते हैं आप लोगों को। देखिए तो 7 में क्या बोला जा रहा है, 7 बोला जा रहा है ना कि एच सी एफ, तो एच सी एफ इज इक्वल टू कितना है बच्चे, एच सी एफ है 13, लिख दिए। एल सी एम, एल सी एम कितना है बच्चे, 1989 है, ये भी लिख दिए। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है बच्चे, फर्स्ट नंबर है 117, ये भी लिख दिए। अदर नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो सेकेंड नंबर, SECOND, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये बोला जा रहा है। तो बोलोगे आप लोग वी नो डैट, हम जानते हैं ना, वी नो डैट क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, क्या होता है, प्रोडक्ट नंबर होता है एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब कि नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है 117, नंबर 2 क्या हमको नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। एल सी एम कितना है, 1989, एस सी एफ कितना है, 13, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक।
देखिए नंबर टू को यहीं पर लिखा हुआ है, यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए 1989 × 13। देखिए बच्चे ये ना मल्टीप्लाई में है ना, एलएचएस में इस साइड में, जब इसको इस साइड लेकर के जाएंगे ना, जब एलएचएस से नंबर को इस साइड लेकर के जाएंगे ना, देखिए तो ये मल्टीप्लाई में था, तो जब इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, ये बच्चे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे डिवाइड करते हैं इसको, देखिएगा ना, 13 के टेबल से 117, 13 13 वन जा 13, 13 9 जा होता है 177 होता है। फिर 9 के टेबल से इसको आप कट करोगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो नंबर सेकंड क्या आ गया, 2 2 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बोला था कि फाइंड द अदर नंबर, तो बोलोगे द अदर नंबर इज, द अदर नंबर इज 2 2 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ना, ये अगर आपको ऐसा नहीं ना आता है कट करने, तो क्या करिए आप, सिंपल ना 117 से ना इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिएगा, फिर जो आंसर आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका 2 2 1 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों का क्या निकालना है, एच सी एफ और एल सी एम निकालना है। तो सबसे ईजी मेथड है इस वाले को सॉल्व करने का, कौन सा मेथड है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो चलिए तो निकालते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उससे बनाइए, मुझे तो इजी है कि दोनों निकालना है ना, तो क्या करूँगा मैं ना इसको ना निकाल दूंगा इस मेथड से। देखिए तो निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ पर है 1560, यहाँ पर है 2016। देखिए ना दोनों आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 2 1 जा 2, 0 0 2 8 जा, फिर दोबारा से 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 2 5 जा 10, 0 4, फिर 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2, फिर 2 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं 9 1 10 15, 5 9, दोनों आते हैं 3 के टेबल में, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 8 + 4 = 6 + 5 = 11। तो आई थिंक बस अब ये दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं, इट मीन्स हम लोग इसका एस सी एफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एस सी एफ, शायद यहाँ तक में आ जाएगा, तो एस सी एफ ऑफ 1560 एंड 2016, तो क्या आ जाएगा एस सी एफ, 2 × 2 × 2 × 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ऐसे तो कितना आ गया बच्चे, 24 आ गया। अब देखते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो अब इसको जब कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक ये क्वेश्चन 1 1 ना आ जाए। तो 1 1 कैसे आएगा, तो देखिए हम लोग करते हैं, अब दोनों किसी के टेबल में तो आते नहीं है, तो दोनों का इसको करते हैं आप 5 से डिवाइड, तो 5 से करेंगे तो 13 टाइम्स में, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही लिख देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, ये डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला तो आ गया क्वेश्चन 1, अब इसको लाना है 1, तो कैसे करेंगे, ये 84 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 42 टाइम्स में, 2 के टेबल में 21 टाइम्स में, 3 के टेबल में 7 टाइम्स में, 7 के टेबल में 1 टाइम्स में, एकदम एग्जैक्टली वहीं पर खत्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा आ गया 1 1 आ गया, मतलब कि दोनों जगह क्या आ गया, 1 1 आ गया ये। तो बच्चे अब आप लोग को एक कुछ सिखाया जा रहा है ना, देखिए यहाँ तक आपने ना, यहाँ तक आपने क्या निकाल दिया, एस सी एफ निकाल दिया, क्या निकाल दिया, यहाँ तक आपने एस सी एफ निकाल दिया। अगर देखिए अगर ना यहाँ तक में, ये पहले वाले तक में 1 आ गया था, पहले का 1 आ गया था और दूसरे का 1 यहाँ पर आया है, देखिए अगर इन दोनों में ना, इन दोनों में अगर इन दोनों में, मतलब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर अगर कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ पर और यहाँ पर वाले में कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है, मतलब आप लोगों ने ना एस एफ निकालने में गलती किया है। देखिए यहाँ पर आया 5 और 13, यहाँ पर 5 13 है क्या कहीं पर, नहीं है, इट मीन्स ये सही निकला है एलसीएम। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ना यहाँ पर 5 आ रहा था, अगर यहाँ पर कहीं 5 आता ना, इट मीन्स एस सी एफ में ना 5 से ना एक बार और ये नंबर डिविजिबल होता, ठीक है। आई होप तो समझाया जा रहा, समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एस सी एफ आ गया, तो बोलोगे अब एलसीएम, एलसीएम ऑफ 1560 एंड 2016 इज इक्वल टू, ये 24 तो है ही, मल्टीप्लाई इन सब का मल्टीप्लाई करके फिर से लिख दो, 5 × 13 × 2 × 2 × 3 × 7,
और क्या करेंगे जब आप इन सभी नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने तो कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ, आप जब इन दोनों को इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 131040, तो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका एच सी एफ इतना आ गया, एलसीएम इतना आ गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फोर बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 8, 12, 16, 20 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कि चार बेल है, सपोज करिए 1 बेल 2 बेल 3 बेल 4 बेल, चार घंटी है जो कि ना 8, 12, 16 और 20 सेकेंड के इंटरवल में क्या होती है, बेल मतलब कि रिंग होती है, टॉल होती है। इफ़ दे बिगिन टू टॉल एट 12 नून, अगर ये चारों एक साथ 12 नून में बजते हैं, मतलब कि अगर ये चारों एक साथ 12 PM पे बजते हैं ना, वेन विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो बताओ ये अगली बार कब एक साथ फिर से बजेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो सॉल्व करते हैं इसको, बताते हैं। तो देखिए ना यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे ना एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 एंड 20, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए तो देखिए 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 2 ज़ा 40 2 ज़ा 80 और 83 ज़ा 240 240 सेकेंड्स। देखिए क्योंकि ये सारे क्या थे, सेकेंड्स में थे, तो 240 सेकेंड्स मतलब होता है बच्चे, देखिए 60 सेकेंड्स मतलब होता है 1 मिनट, तो 240 सेकेंड्स मतलब हो जाएगा 4 मिनट। या समझ में नहीं आया ऐसे करिए 240 डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, डेट इज़ 4 मिनट्स, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट कब बजेंगे एक साथ, तो अब ये बजेंगे 12:04 पर एक साथ ही फिर से बजेंगे। तो बोलोगे व्हेन विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो बोलोगे दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर एट, बोलोगे देखिए 4 मिनट है तो बोलोगे 12:04 PM पे, मतलब कि 12:04 पे क्या होंगे, चारों बैल एक साथ फिर से बजेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, बोला जा रहा है ना बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 13 और 16 क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 16। देखिए यहीं पर बहुत ईजी है, तो देयर आर फोर बैल विच टॉल एट इंटरवल ऑफ 3, 5, 7, 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। सेम सेम यही क्वेश्चन है, इफ़ दे बिगिन टू टॉल एट 5 AM, अगर वो सुबह के 5 बजे बजते हैं ना, वेन विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर लिखोगे एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 एंड 10। तो जब इसका आप एलसीएम निकालोगे ना 3, 5, 7 एंड 10 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 210, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 210 सेकेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ना एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 210 सेकेंड्स आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये मिनट में कितना होगा ना, तो इसको क्या करें ऐसे लिखिएगा सिंपली के लिए, सिंपलिसिटी के लिए 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड। सर इसको ऐसा क्यों लिखे 60 सेकेंड में करके बच्चे, इसलिए ना क्योंकि 60 सेकेंड मतलब होता है 1 मिनट और 30 सेकेंड, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट इज 3 मिनट 30 सेकेंड। तो पहली बार बेल कब बजा था 5 AM पर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये कब टॉल होगा, तो बोलोगे दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर एट 5:03 पर, ये क्या होगा फिर से टॉल होगा एक साथ, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, एट एन एयरपोर्ट
प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम फोर डिफरेंट रनवे, मतलब कि एयरपोर्ट पे ना जो प्लेन्स है ना वो क्या होते हैं, अलग अलग रनवे से क्या होते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उड़ते हैं एट 8, 12, 15 एंड 20 मिनट्स के इंटरवल पर। एट 3 AM प्लेन्स टुक ऑफ फ्रॉम ऑल फोर रनवे टुगेदर, मतलब कि 3 बजे ना क्या होते हैं सारे, मतलब कि चारों रनवे से ना एक टाइम पे क्या होते हैं प्लेन टेक ऑफ करते हैं। व्हेन विल प्लेन टेक्स ऑफ टुगेदर अगेन फ्रॉम द फोर रनवे, बताओ कि नेक्स्ट टाइम ये ना फिर से ना कब एक साथ प्लेन टेक ऑफ करेंगे। तो इसमें भी वही करना है ना जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9, 13 और 16 में कर रहे थे। 9 और 13 में कैसे, 16 में से करेंगे तो बोलेंगे एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20। तो जब इसका आप एलसीएम निकालोगे ना बच्चे इस क्वेश्चन का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा 120 मिनट्स, क्या आ जाएगा 120 MINUTS मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 120 मिनट्स मतलब कितना होता है, तो इसको करोगे आप 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स। सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि बच्चे 60 मिनट्स मतलब होता है 1 आवर, और इसका मतलब होता है 1 आवर, 1 आवर 1 आवर प्लस 2 आवर, मतलब कि 2 घंटे बाद ये लोग क्या करेंगे फिर से एक साथ प्लेन टेक ऑफ करेंगे। तो शुरू में ये लोग टेक ऑफ किए थे 3 बजे, तो अब नेक्स्ट कब करेंगे तो बोलोगे द प्लेन व्हेन विल प्लेन, तो बोलोगे द प्लेन्स विल टेक ऑफ टुगेदर अगेन एट 3 AM प्लस 2 आवर, मतलब कि 5 AM पे क्या करेंगे ये चारों चारों रनवे से एक साथ क्या करेंगे प्लेन टेक ऑफ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 13 और 16 कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रैफिक लाइट एट अ क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 25 सेकेंड्स, मतलब कि ट्रैफिक लाइट जो है ना एक स्टेशन मतलब कि एक क्रॉसिंग जहाँ से होता है व्हीकल, वहाँ पर क्या होता है 25 सेकेंड में क्या होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, द ट्रैफिक लाइट एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, और उसके आगे में एक नेक्स्ट क्रॉसिंग है वहाँ पे वो चेंज होता है एवरी 20 सेकेंड्स में। एट 4 AM बोथ द लाइट चेंज टुगेदर, 4 बजे ना क्या होते हैं दोनों ना एक साथ ना चेंज होते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन टुगेदर, बताओ कितने टाइम के बाद ना वो लोग क्या करेंगे फिर से ना चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वैसे ही है, तो फिर से वैसे ही बोलेंगे ना कि एलसीएम ऑफ 25 एंड 20, क्योंकि यहाँ पर है 25 और दूसरे में है 20, तो एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 और 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा 100, तो ये सेकेंड्स में है इसलिए यहाँ लिखेंगे सेकेंड्स। तो 100 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब होता है 1 मिनट, 40 सेकेंड को 40 सेकेंड ही छोड़ लोगे। तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन टुगेदर, तो बोलोगे दे चेंज टुगेदर एट, देखिए पहले पहले 4 AM पे था वो, तो 4 AM प्लस 1 मिनट 40 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बज के 1 मिनट 40 AM पे क्या होगा, ये फिर से ना क्या होगा ट्रैफिक सिग्नल एक साथ चेंज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 ना सेम टू सेम है, तो 14 देखते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 45 सेकेंड, 90 सेकेंड एंड 105 सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर 3 ट्रैफिक लाइट है जो कि इतने इतने इंटरवल में क्या होते हैं चेंज होते हैं। इफ दे चेंज टुगेदर एट 4 AM, अगर वो 4 बजे क्या होते हैं एक साथ चेंज होते हैं ना, वेन विल दे चेंज अगेन टुगेदर, बताओ वो फिर से चेंज कब होंगे। तो इसको भी बना लेते हैं वैसे ही, तो बोलोगे एलसीएम ऑफ क्या क्या था, 45, 90 एंड 105 सेकेंड्स। तो जब आप इसका क्या करोगे एलसीएम निकालोगे ना बच्चे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 630 सेकेंड्स। ठीक है ना, 630 मतलब क्या होता है, तो देखिए इसको ऐसा कर लीजिए, इसको कर लीजिए 600 सेकेंड्स प्लस 30
सेकेंड। सर इसको ऐसा क्यों किए, क्योंकि बच्चे 600 सेकेंड का मतलब होता है 10 मिनट। सर ये कैसे आपने किया, तो देखिए 600 को 600 लिखिए, सेकेंड को मिनट में ना चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो एक चेंज हो जाता है मिनट में, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 10 जा, तो दैट इज आ गया 10 मिनट 30 सेकेंड। तो वो लोग मतलब कि वो ट्रैफिक सिग्नल फिर से कब चेंज होगा एक साथ, तो बोलोगे दे विल चेंज अगेन टुगेदर एट, देखिए पहली बार वो 4 AM पे क्या हुआ था, चेंज हुआ था, अब वो होगा 4 AM प्लस 10 मिनट 30 सेकेंड पे, मतलब कि ये होगा 4:10:30 AM पे क्या होगा, वो फिर से चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 42, 56, 35 लीव द सेम रिमाइंडर 5। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको आप इससे इससे और इससे डिवाइड करोगे ना, तो हर केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दिखाते हैं सॉल्व करके। तो देखिए इसमें भी ना ऐसे करेंगे, तो बोलोगे LCM ऑफ 42, 56 एंड 35। तो जब आप इसका LCM निकालोगे ना, तो कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 840। तो 840 आ गया, तो बोला जा रहा है ना कि क्या दे रहा है, लीव द सेम रिमाइंडर 5, मतलब 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो डेट इज, तो बोलोगे द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 840 प्लस जो रिमाइंडर दे रहा था ना उसको प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा 845, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 3 पर्सन स्टेप ऑफ फ्रॉम द सेम प्लेस, मतलब कि 3 पर्सन क्या होते हैं, एक सेम प्लेस से क्या होते हैं, स्टेप ऑफ जाते हैं, द मेजर ऑफ देयर स्टेप्स आर 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर। मतलब कि सपोज करो कि यहाँ से ना 3 पर्सन जा रहे हैं, ठीक है ना, तो पहला पर्सन का जो स्टेप है ना वो 50 सेंटीमीटर का है, दूसरा का 60 सेंटीमीटर, तीसरे का 55 सेंटीमीटर है। एट वॉट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस विल दे नेक्स्ट स्टेप टुगेदर, बताओ कि ना उन लोग तो डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, तो बताओ कि ना वो टाइम कब आएगा, मतलब कि किस मिनिमम डिस्टेंस पर ना तीनों ना एक साथ ना फिर से स्टेप रखेंगे, ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि किस मिनिमम डिस्टेंस पर स्टार्टिंग प्लेस से मतलब कि यहाँ से किस मिनिमम डिस्टेंस पर ना ये तीनों क्या करेंगे, एक साथ स्टेप रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको बनाते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, लिखेंगे LCM ऑफ 50, 60 एंड 55, कितना जाएगा, जब आप इन तीनों का LCM निकालोगे ना बच्चों, तो इसका LCM आएगा 3300। ये देखिए सेंटीमीटर में है, तो ये कितना जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चे याद रखिए 3300, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या क्या करते हैं, 1/100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब 1020 कट हो गया, दैट इज ये कितना आ गया, 33 मीटर आ गया, मतलब 33 मीटर ही वो मिनिमम डिस्टेंस है ना स्टार्टिंग पॉइंट से, जब वो लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को एक साथ रखेंगे, ठीक है, तो 33 मीटर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 15। When a group of student are asked to stand in a row, जब क्या कराया जाता है, जब बोला जाता है ना कि स्टूडेंट को क्या करिए, आप ना रो बना करके खड़े रहिए, 12, 16 एंड 20, दे फॉर्म अ परफेक्ट रेक्टेंगल, वो क्या करें, मतलब कि बोला जा रहा है ना कि ना आप लोग खड़े रहिए कुछ इस तरीके से कि आप क्या बन जाए, बनाए एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाए, ठीक है। अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रहता है ना तो आप SCF निकालते, क्या निकालते, SCF, लेकिन यहाँ रेक्टेंगल लिखा है तो आप LCM निकालेंगे। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, बताओ कि एक ग्रुप में ना कितने स्टूडेंट होने चाहिए जिसे कि वो क्या करे, एक रेक्टेंगल फॉर्म करे, ठीक है। तो निकालते हैं सेम, तो बोलोगे LCM ऑफ 12, 16 एंड 20,
तो जब आप 12 से 20 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 240। देखिए ये सारे क्या थे स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ आ जाएगा 240 स्टूडेंट्स। तो मिनिमम कितने स्टूडेंट चाहिए ग्रुप में, तो मिनिमम 240 स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू पर। एमसीक्यू बोला जा रहा है द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। तो एलसीएम 3, 4 एंड 5 का जब आप निकालोगे ना, तो एलसीएम 3, 4 और 5 का कितना आता है, एलसीएम आता है 3, 4, 5 का 60। कितना आता है 60, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इफ 68 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अगर 68 क्या है मल्टीपल है 4 का, द एलसीएम ऑफ 68 एंड 4, तो एलसीएम निकालना है 68 एंड 4 का। तो बच्चे देखिए ना, 68 क्या है मल्टीपल है 4 का ना, तो उसका एलसीएम 68 और 4 का क्या होगा, 68 ही होगा। आप निकाल करके देख सकते हो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 68 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ 9 इज अ फैक्टर ऑफ 45, अगर 9 क्या है फैक्टर है 45 का, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 45, तो एलसीएम जो होगा ना 9 एंड 45 कितना होगा, 45 ही होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पर ना क्या है, मतलब यहाँ पर एच सी एफ गिवेन है 5 एंड एल सी एम गिवेन है 3, 1, 5। इफ वन ऑफ द नंबर इज 35, अगर एक नंबर क्या है 35 है, तो फाइंड करना है अदर नंबर। तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो नंबर 1 क्या है 35, नंबर 2 आपको फाइंड करना है, एच सी एफ क्या है बच्चे 5 और एल सी एम क्या है 3, 1, 5। तो यहाँ पर जब आप क्या करोगे, जब जब यहाँ पर आप नंबर 2 निकालोगे ना, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। कहाँ हो जा रहा है ये डिवाइड में। और जब क्या करोगे आप इसको, जब करोगे ना डिवाइड 35 से, मतलब कि 5 1 जा 5 7 जा और 7 से जब क्या करोगे 3, 1, 5 को डिवाइड करोगे ना, तो कितना आएगा 45 आएगा। कितना आएगा 45 आएगा, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे आपका 45। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ना 3.8 का ना क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है, तो आप लोग उसको बना सकते हो, कुछ उसी कॉन्सेप्ट में बेस है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 3.8 एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।